Have you ever been confused to distinguish capsicum or bell pepper, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, छोटी मिर्च, बड़ी मिर्च? इन सब छोटी छोटी चीज़ों में कई बार हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्ट नेम को भी भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग कैप्सिकम को बेल पेपर और बेल पेपर को कैप्सिकम, कैप्सिकम को चिली और चिली को शिमला मिर्च प्रोनाउंस करते हैं। तो आज की वीडियो में दूर करेंगे इन छोटे छोटे से कन्फ्यूज़न को और जानेंगे कैप्सिकम और पेपर की स्पीसीज़ के बारे में, आखिर दोनों में क्या अंतर है और कैसे दोनों एक दूसरे से अलग है। साथ ही जानेंगे चिलीज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और दुनिया भर में चिलीज की कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके साथ ही साथ बात करेंगे मिर्चों की न्यूट्रिशनल वैल्यू की, कैसे मिर्च हमारे लिए एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह काम कर सकती हैं, किन बीमारियों में हमें इन्हें खाना चाहिए और किन बीमारियों में आपको मिर्च को अवॉइड करना चाहिए वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे मिर्चों की कुछ छोटी सी हिस्ट्री के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे मिर्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं मिर्च के जीनस कैप्सिकम से। जी हाँ, दुनिया भर में लगभग 20 से 27 किस्म की मिर्च की स्पीसीज पाई जाती हैं। ये 20 से 27 प्रकार की मिर्च एक जीनस के अंतर्गत आती हैं जिसे कैप्सिकम बोलते हैं। इसी वजह से कुछ लोग मिर्च को कैप्सिकम भी प्रोनाउंस करते हैं, स्पेशली इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लोग। तो मिर्च की अगर दो बड़ी कैटेगरी की बात करें तो हम सभी प्रकार के मिर्चों को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन चिली पेपर, जिसमें हमारी छोटी हरी लाल मिर्च आती हैं। नंबर टू बेल पेपर, जिसमें शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम आता है। तो आइए बात करते हैं बेल पेपर के बारे में यानी कि शिमला मिर्च के बारे में। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि शिमला मिर्च क्यों बोलते हैं, क्यों बेल पेपर बोलते हैं। इसका ओरिजिन नॉर्थ अमेरिका से हुआ है। नॉर्थ अमेरिका में इसे स्वीट पेपर और ऑस्ट्रेलिया इंडिया में हालांकि इसे कैप्सिकम बोला जाता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। इसके बाद क्योंकि शिमला में इसे इंट्रोड्यूस कराया गया और शिमला में ये पूरे भारत की अपेक्षा काफ़ी मात्रा में होता था, इसलिए इंडियंस ने इसका दूसरा नाम शिमला मिर्च भी रख दिया। इसके अलावा शिमला मिर्च की कई सारी स्पीसीज दुनिया भर में पाई जाती हैं। इनके कलर अलग अलग होते हैं, जैसे रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, पर्पल और यहाँ तक कि ब्लू कलर की बेल पेपर भी दुनिया भर में ग्रो कराई जा चुकी हैं। इनके अगर तीखेपन की बात करें तो ये काफ़ी माइल्ड होती हैं, यानी कि इनमें तीखापन लगभग शून्य होता है, जीरो होता है, इसीलिए इन्हें स्वीट पेपर भी बोलते हैं। मिर्च को सबसे पहले अमेरिका में इंट्रोड्यूस कराने वाले कोलंबस थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले काली मिर्च का स्वाद यानी कि पेपर का स्वाद चखा था, तो इसीलिए उन्होंने मिर्च के स्वाद को काली मिर्च के स्वाद से मिलता जुलता पाया और इसका नाम भी पेपर या चिली पेपर रख दिया। इसीलिए वहाँ के लोग आज भी शिमला मिर्च को बेल पेपर बोलते हैं और हरी मिर्च यानी छोटी मिर्च को चिली पेपर बोलते हैं। चिलीज़ यानी कैप्सिकम जीनस की अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसमें लगभग पर 100 ग्राम में आपको 84 किलो जूल आपको एनर्जी मिल जाती है। कार्बोहाइड्रेट 4.64 ग्राम, शुगर 2.4 ग्राम, डाइट्री फाइबर 1.8 ग्राम, फैट 0.17 ग्राम, प्रोटीन 0.86 ग्राम। विटामिन की क्वांटिटी इनमें इस प्रकार है, विटामिन ए 2%, बीटा कैरोटीन 18 माइक्रोग्राम, ल्यूटीन जेंथाजैनिन 208 माइक्रोग्राम। विटामिंस की अगर बात करें तो इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, विटामिन B6, B9 और विटामिन सी काफ़ी मात्रा में यानी कि 97% 80.4 मिलीग्राम तक होता है। मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम की काफ़ी मात्रा होती है। अब बात कर लेते हैं रियल तीखी मिर्च को, जिसे चिली पेपर बोलते हैं। इसे हरी मिर्च भी बोला जाता है, छोटी मिर्च भी बोला जाता है और जनरली इसे चिली बोला जाता है। चिली को दुनिया भर में चिली पेपर के नाम से जाना जाता है। ये कैप्सिकम जीनस से बिलोंग करती है ऑब्वियसली, और इसका बोटानिकल नेम कैप्सिकम एनम है। चिली पेपर यानी चिली की कई स्पीसीज फेमस हैं, स्पेशली उनके तीखेपन के लिए ये दुनिया भर में जानी जाती हैं। इनके अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये
जैलपिनो। जैलपिनो दुनिया भर में अपने तीखेपन के लिए मशहूर है और ये मीडियम साइज़ की मिर्च होती है, 5 से 10 सेंटीमीटर तक की ये हो सकती है। इसके बाद नंबर 2 पर आती है बनाना पेपर। बनाना पेपर काफ़ी बड़ी मिर्च होती है, आपने देखा होगा मार्केट में ये अचार वाली मिर्च के नाम से इंडिया में फेमस है। इसके बाद आती है साइनी पेपर। साइनी पेपर इंडिया में तो काफ़ी कम होती है, ये 10 से 25 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। इसके बाद आती है हबानेरो चिली। हबानेरो चिली में कई सारी तीखी मिर्च आती हैं, जैसे भूत जलोकिया इंडिया की, ये छोटी राउंड शेप गोल मिर्च होती हैं जो कि काफ़ी तीखी होती हैं और इनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। सभी चिलीज़ में न्यूट्रिशन की मात्रा लगभग इक्वल होती है। हमें चिलीज़ को अगर हम स्वस्थ हैं तो ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इनमें काफ़ी मिनरल्स और विटामिन होते हैं। विटामिन सी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सिट्रस के बाद विटामिन सी केवल मिर्च में पाया जाता है, तो आपको मिर्च का सेवन ज़रूर करना चाहिए अगर आप स्वस्थ हैं। बट इन केस इफ़ यू हैव गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम तो यू शुड कम्प्लीटली अवॉइड ऑल काइंड ऑफ पेपर्स। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।